हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आप जैसे जानते हैं कि हमारा प्यारा पबजी बैन हो चुका है, और जो पबजी खेलते हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ा दुखों का पहाड़ टूट चुका है। मतलब जो पबजी खेलते हैं उनकी लाइफ का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका था, कि मतलब उन्हें पबजी दिन में खेलना ही खेलना था, और पबजी उनकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका था। पबजी उनके मतलब टाइम पास का एक जरिया बन चुका था। तो दोस्तों, अब कोई नहीं, जो भी है हमारी भलाई के लिए करा है हमारे सरकार ने, क्योंकि जो चाइना है अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। चाइना जो है हमारा डाटा चुरा लेता है, जैसे कि आप पिछले पहले भी देख चुके हैं कि टिकटॉक जो बैन हुआ था वो इसी कारणों से बैन हुआ था कि वो हमारा डाटा चुरा रहा था, और उसका वो गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। इसलिए पबजी भी चाइना का थोड़ा बहुत हिस्सा है, तो इसलिए वो हमारा डाटा चुरा रहा था और दूसरी जगह लीक भी कर सकता है, उसका बहुत बड़ा खतरा है। तो हमारी सरकार ने इसी मारे पबजी को भी बैन कर दिया है। हाँ, अगर पबजी अपनी चाइना कंपनी से अपना संबंध हटा देता है तो शायद वो भविष्य में इंडिया में वापसी कर सकता है। लेकिन चलो, जो भी है सही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि सबसे बड़ी न्यूज़ इस टाइम यही चल रही है कि हमारा भारतीय द्वारा बनाया गया न्यू गेम जिसका नाम फौजी है, जी हाँ, अपने से बना न्यू गेम आ रहा है जिसका नाम फौजी है, शायद वो पबजी ऐसा हो सकता है। और इसकी पहली पोस्ट डाली गई है अक्षय कुमार सर ने अपनी पोस्ट पर डाला है कि न्यू गेम फौजी जल्दी आने वाला है, और शायद ये हमें पबजी जैसा ही देखने को मिले, और हम उम्मीद करते हैं कि एक बढ़िया गेम हो, क्योंकि इंडिया का बना हुआ गेम और बहुत ही मतलब अपने देश का गेम अपने हम ही खेलेंगे तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक ये है कि जो भी इसकी जितनी भी कमाई होने वाली है ना, वो उसका 20% हमारे फौजी भाइयों को दिया जाएगा। तो मतलब ये तो एक सोने पे सुहा हो गया कि गेम भी इंडिया का और उसका 20% हमारे प्यारे फौजी भाइयों को मिल रहा है। तो मतलब ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हुई दोस्तों। मतलब गेम भी खेलो और हमारे फौजी भाइयों की मदद भी हो रही है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बस मतलब इस गेम का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। अगर इसकी रिलीज डेट वेट अगर मुझे पता चलती है तो सबसे पहले मैं भाइयों आपको बताने वाला हूँ। तो मतलब ये बिल्कुल एक बढ़िया गेम होने वाला है, और यह सबसे बड़ी बात, दिल छूने वाली बात तो मुझे ये लगी कि इसका 20% गेम का वो हमारे फौजी भाइयों को जाने वाला है। तो मतलब बिल्कुल धांसु यार, मतलब क्या कहूँ, मज़ा आ गया दोस्तों। अब बस इस गेम का इंतजार है, और पबजी के बारे में ज़्यादा मत सोचो, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि ये तो एक गेम ही है और भी हमारे ज़िंदगी में गेम आगे आएंगे, तो ज़्यादा दिल पे लगाओ मत, बस इंजॉय करो यार। क्यों देखो बड़ा, बस अब हमारे फौजी भाई वाला फौजी गेम भी जल्दी आने वाला है, तो उसका इंतजार करो। शायद ये हमारे फौजी भाइयों के लिए हो, और शायद इसमें एक गेम में ये दिखाया जाए कि फौजी भाई हमारे कैसे सर्वाइवल करते हैं, कैसी कैसी कठिनाइयों से गुजरते हैं। तो मतलब बहुत धांसु गेम होने वाला है, तो मतलब बस इसका इंतजार है मुझे। तो दोस्तों, अगर ज़रा से भी आपको फौजी गेम के बारे में ज़रा से भी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और एक प्यार से कमेंट कर देना कि आपको कैसी लगी वीडियो। और पबजी वालों, बस थोड़ा सब्र से इंतजार करो, कोई नहीं होता है। तो दोस्तों, बस गुड बाय यही बात। अगर और भी कोई जानकारी चाहिए होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो दोस्तों, गुड बाय, अपना ख्याल रखना, गुड बाय दोस्तों, बाय बाय।